देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं कल के लिए। दोस्तों लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं मैंने, आज के दिन भी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। डाउन साइड जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ हमने यहाँ पर एंट्री लिया और नेक्स्ट सपोर्ट पर हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है। चलिए देख लेते हैं लेवल क्या निकल के आ रहे हैं और कहाँ पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, समझ लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है। पहला रेजिस्टेंस हमारा 42,251, दूसरा है 42,473, तीसरा रेजिस्टेंस है 42,740 का लेवल। बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर डाउन साइड निकलती है तो पहला हमारा सपोर्ट होगा 42,032 का लेवल, 41,855 दूसरा सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है, पहला सपोर्ट है 42,251, दूसरा सपोर्ट है 42,032 का लेवल। ये लेवल भी हमारे लिए फिर सपोर्ट के जैसे काम करेगा। बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है, पहला रेजिस्टेंस 42,473, दूसरा 42,740 का लेवल। बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है तो पहला हमारा रेजिस्टेंस होगा 42,032 का लेवल, दूसरा है 42,251 का लेवल। और ये जो दोनों लेवल है वो भी रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे बैंक निफ्टी में। गैप डाउन ओपनिंग होकर नीचे आती है बैंक निफ्टी तो पहला सपोर्ट अचीव करेंगे हम 41,855 का, इससे भी ब्रेक कर जाती है प्राइस एक्शन बना के नीचे आती है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होगा, हम बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के जैसे काम करने वाले हैं बैंक निफ्टी में, ये लेवल रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे और ये जो लेवल है वो सपोर्ट के जैसे काम करेंगे। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है, पहला सपोर्ट हमारा 17,590 होगा, दूसरा है 17,529 का लेवल। फ्लैट ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है निफ्टी, पहला रेजिस्टेंस 17,665, दूसरा है 17,753, तीसरा रेजिस्टेंस 17,835 का लेवल। निफ्टी गैप ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है, पहला हमारा जो सपोर्ट है निफ्टी में वो होने वाला है 17,665 का लेवल और दूसरा जो सपोर्ट है हमारे पास 17,590 का लेवल है। ये लेवल भी सपोर्ट के जैसे काम करेगा। निफ्टी गैप ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है, पहला रेजिस्टेंस 17,753, दूसरा रेजिस्टेंस 17,835 का लेवल। निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है, पहला हमारा रेजिस्टेंस होगा 17,590 का लेवल, दूसरा रेजिस्टेंस 17,665 का। ये लेवल भी रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे। निफ्टी समझ लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होकर डाउन साइड निकलती है, पहला सपोर्ट हमारा 17,529 होगा, इसे भी ब्रेक कर जाती है तो नीचे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ये थे निफ्टी के लेवल। दोस्तों देख लेते हैं फिन निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। लेवल मैंने सारे मार्क करके रखे, आप भी अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं। फिन निफ्टी समझ लीजिए फ्लैट ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है, पहला हमारा जो सपोर्ट होगा फिन निफ्टी में 18,726 का, अगर इसे भी ब्रेक कर जाती है फिन निफ्टी इस तरह से प्राइस एक्शन बना के नीचे आने की कोशिश करती है तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। फिन निफ्टी समझ लीजिए फ्लैट ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है, पहला हमारा रेजिस्टेंस 18,797, दूसरा है 18,915 का लेवल। ये लेवल भी रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा जो है 18,966 का लेवल। फिन निफ्टी गैप ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है, पहला सपोर्ट 18,797, दूसरा सपोर्ट 18,726 का। फिन निफ्टी गैप ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है, पहला रेजिस्टेंस 18,915, दूसरा रेजिस्टेंस 18,966 का लेवल। फिर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है, पहला रेजिस्टेंस हमारा 18,726 रहेगा, दूसरा है 18,797 का लेवल। ये लेवल भी रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे फिन निफ्टी में। फिर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है, पहला हमारा जो सपोर्ट है वो ये स्विंग रहेगा और दूसरा जो सपोर्ट है वो ये वाला स्विंग रहने वाला है जो है 18,650 के आसपास का। ये थे दोस्तों फिन निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे, उसके बाद टिप जानेंगे क्या निकल के आ रही है निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 17,618 के लेवल पे और निफ्टी अभी हमारे पास जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी में निकल के आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो आयो बना हुआ है निफ्टी में वो है 17,500 का लेवल। 17,500 पे सबसे ज़्यादा आयो मुझे नज़र आ रहा है और यहाँ पे अगर देखें तो हमें 17,700 पे सबसे ज़्यादा आयो नज़र आ रहा है निफ्टी में, तो ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के से काम करेंगे लेवल। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे तो बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया कर लेते हैं यहाँ पे।
बैंक निफ्टी ओपन करने के बाद देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने कहाँ पे एग्जैक्टली क्लोजिंग दिया है और फिर हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी ने 42,154 पे क्लोजिंग दिया है और बैंक निफ्टी में अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढेंगे हम तो हमें यहाँ मिल रहा है सबसे ज़्यादा आयो जो है 42,000 के लेवल पर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इस तरफ अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आयो मुझे यहाँ पर 42,300 पे नज़र आ रहा है। तो ये जो लेवल है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बैंक निफ्टी में काम करने वाले हैं आपको अपने चार्ट में ये लेवल मार्क करके रख लेने चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही। चलिए टिप देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में क्या टिप निकल के आ रही है। ये लेवल आपने ड्रॉ नहीं किए मार्क नहीं किए तो मार्क कर लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए होने वाले हैं। कल जो लेवल मैंने बताए थे बिल्कुल उसी लेवल को मार्केट ने आज के दिन रिस्पेक्ट किया तो जो मैं लेवल बताती हूँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं उसी लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो उस लेवल तक का आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बताती हूँ वीडियो में तो आपको ज़रूर मार्क करने चाहिए। चलिए देख लेते हैं टिप क्या निकल के आ रही है कल के दिन के लिए। बैंक निफ्टी के चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे दिख रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। फिर से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ये देखिए इस तरह से पैटर्न कुछ बैंक निफ्टी बना रहा है और बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर अगर टॉप पे बन जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं टॉप पे चल रही है बैंक निफ्टी तो अगर टॉप पे हेड एंड शोल्डर हमें दिखाई देता है अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट हमें मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। अगर डाउन साइड आती है बैंक निफ्टी यहाँ तक का मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं 41,500 तक का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी दिखा सकती है। चलिए फिन निफ्टी में देख लेते हैं फिन निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है टिप जिसकी मदद से हम कल के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट ले सके। फिन निफ्टी में निकल के आ रहा है मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक एम पैटर्न अच्छा बढ़िया बना हुआ एम पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है और एम पैटर्न बना के यहाँ पे फिर निफ्टी रिट्रेसमेंट लेने के लिए जा रहा है। रिट्रेसमेंट यहाँ तक का होना चाहिए 18,850 तक का रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक फिर निफ्टी जो है डाउन साइड आ सकती है तो यहाँ से हम पुट का एंट्री बना सकते हैं अगर कोई बेयरिश कैंडल हमें दिखाई देती है इस लेवल के आसपास। तो निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में क्या टिप निकल के आ रही है निफ्टी में भी कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ट्रायंगल पैटर्न बढ़िया सा बन के निकल के आ रहा है निफ्टी में और अगर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा तो अपसाइड हमें अच्छा खासा मूवमेंट 70,700 तक देखने को मिल जाएगा और अगर डाउन साइड ब्रेक डाउन हो जाता है तो भी हमें अच्छा खासा 17,500 तक का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा निफ्टी में। तो ये थे दोस्तों टिप निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। ऑप्शन चेन डेटा मैंने बता दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर बन के निकल के आ रहे हैं इस ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से और कल के दिन इसकी मदद से आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। एनालिसिस करके अगर आप खुद से एनालिसिस करना सीख जाओगे तो आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं आप खुद से एनालिसिस करके खुद से प्रॉफिट निकाल सकते हो। किसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है किसी का टिप लेने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एनालिसिस करना सीख जाओगे। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।